हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेस्ट एंचेंटमेंट्स फॉर पिकेक्स। आपको अपने पिकेक्स में कौन कौन सा एंचेंटमेंट जो लगवाना है ताकि आपका पिकेक्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम कर सके। तो आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ और आप लोगों को ये भी बताऊँगा एक्चुअल में पिकेक्स में कौन कौन सा एंचेंटमेंट्स जो लगते हैं, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा आपको कौन कौन सा एंचेंटमेंट्स आपके पिकेक्स में लगवाना है। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, और अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊंगा पिकेक्स में कौन कौन सा एंचेंटमेंट्स जो लगते हैं। तो आप इधर देख सकते हो मेरे पास एक पिकेक्स है और इसमें पूरे के पूरे चार एंजेंटमेंट्स जो लगे हैं, एफिशिएंसी 5, स्लिप टच और अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग। इससे ज़्यादा और कोई भी एंजेंटमेंट्स जो लगते नहीं है पिकेक्स में। फॉर्च्यून 3 भी लगता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इससे ज़्यादा आप लोगों को और कोई भी एंजेंटमेंट जो लगता नहीं है पिकेक्स में। तो सबसे पहले देख लेते हैं एफिशिएंसी 5 का यूज़ ये होता है कि आप कोई भी ब्लॉक तोड़ेगा ना, उसका जो स्पीड है मतलब जल्दी तोड़ देता है, उसका स्पीड जो है ना बढ़ा देता है। और स्लिप टच का यूज़ ये रहता है कि आपको कोई भी ब्लॉक अगर तोड़ेंगे ना, तो कोई भी ब्लॉक अगर आप तोड़ेंगे तो वैसे का वैसा ही मिलेगा। मतलब अगर आप डायमंड को कभी माइन करने के लिए चलेंगे तो आप लोगों को डायमंड ओर मिलेगा, आपको डायमंड ओर मिलेगा, डायमंड्स नहीं मिलेंगे। तब अगर आप फॉर्च्यून 3 पिकेक्स से अगर आप माइन करेंगे तब आप लोगों को डायमंड मिल जाएगा। तो सिलिक टच में आप लोगों को डायमंड ओर मिलेगा। तो अनब्रेकिंग का यूज़ ये रहता है कि इसका जो पावर है, मतलब जितना भी आप इधर देख सकते हो नीचे ड्यूरेबिलिटी है 2000, तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो 3 गुना तक बढ़ा देता है अनब्रेकिंग 3। अगर अनब्रेकिंग 3 रहेगा तो पूरे के पूरे 3 गुना तक इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ा देता है। और आखिरी में आता है मेंडिंग। मेरे हिसाब से मेंडिंग सब लोगों को पता ही होगा। तो मेंडिंग का यूज़ ये रहता है कि अगर आप एक्सपी कलेक्ट करेगा ना तो साथ ही ये रिपेयर भी होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सपी मतलब एक्सपी गेन करोगे तो आपका जो पिकेक्स है वो रिपेयर भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे पास दूसरा पिकेक्स है और इसमें भी सेम एफिशिएंसी 5, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग है, लेकिन साथ ही इसमें फॉर्च्यून 3 है। आप इधर देख सकते हो इसमें सिलिक टच है और इधर देख सकते हो इसमें फॉर्च्यून 3 है। तो फॉर्च्यून 3 का यूज़ ये रहता है कि आप अगर आप डायमंड्स को माइन करने में जाएंगे तब आप लोगों को डायमंड्स जो है ना 1-4 इसके बीच में आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सिलिक टच पिकेक्स से माइन करोगे ना तब आप लोगों को डायमंड और मिलेगा। तो यही फ़र्क है इन दोनों में। तो आप लोगों को फॉर्च्यून 3 भी लगा सकते हो या फिर सिलिक टच भी लगा सकते हो। तो दोस्तों, नॉर्मली ये दो ही एंजेंटमेंट्स जो लगते हैं पिकेक्स में, आप देख सकते हो इसमें पूरे के पूरे 5 एंजेंटमेंट्स जो लगते हैं, एफिशिएंसी 5, सिलेक्टर्स और अनब्रेकिंग, और आखिरी में आता है फॉर्च्यून 3। तो ये सिर्फ यही एंजेंटमेंट्स जो लगते हैं, फॉर्च्यून 3 और सिलेक्टर्स दोनों अलग अलग एंजेंटमेंट्स है, वो साथ में कभी भी आप लोगों को एक पिकेक्स में नहीं मिलेंगे। और इन लोग का जो काम है वो दूसरा अलग अलग रहता है, इसीलिए आप लोगों को कंबाइंडली नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको कौन कौन सा एंजेंटमेंट जो है आपके पिकेक्स में लगवाना चाहिए। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैंने दोनों पिकेक्स को लगभग सिलेक्टर्स भी मेरे पास है और फॉर्च्यून 3 भी मेरे पास है, मैं दोनों को यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं दोनों अपने पास रखता हूँ। आपको क्या ना दोनों का यूज़ रहता ही रहता है, आप लोगों को सिलिक टच का भी यूज़ रहता है और फॉर्च्यून 3 का भी यूज़ रहता है। तो आप दो पिकेक्स बना के रखना ही चाहिए मेरे हिसाब से। एक पिकेक्स में आप सिलिक टच एंजेंटमेंट्स रख सकते हैं, मतलब एक ही एंजेंटमेंट, और दूसरा जो फॉर्च्यून 3 पिकेक्स में इसमें एफिशिएंसी 5, अनब्रेकिंग और फुल एंजेंटमेंट्स आप दे सकते हो। मतलब जो पिकेक्स आप ज़्यादा यूज़ करते हो, मतलब फॉर्च्यून 3 को ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर सिलिक टच को ज़्यादा यूज़ करते हो, तो वो वाला पिकेक्स को आपको क्या ना एफिशिएंसी 5 और अनब्रेकिंग ये मेंडिंग आप लोगों को ये 3 एंजेंटमेंट्स दे सकते हो, उसमें क्या ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और आप दूसरा जो सिलेक्ट टच का पिकेक्स रहेगा या फिर फॉर्च्यून 3 का पिकेक्स रहेगा उसमें आप लोगों को लो एंजेंटमेंट्स भी दे सकते हो ताकि आप लोगों को मतलब कभी कभी यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, और आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना ताकि मैं कभी भी वीडियो जो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी आप लोगों को पता चल गया होगा आपको अपने पिकेक्स में कौन कौन सा एंजेंटमेंट जो लगवाना है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।